नमस्कार साथियों, का जो पहला वीडियो मैंने डर की सच्ची घटना डाली थी वो बहुत सक्सेस हुई, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया। तो आज डर की ही मैं दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ। डर एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को अंदर से झकझोर के रख देता है। डर एक ऐसा शब्द है जो हमेशा हम दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं, खुद अनुभव नहीं करना चाहते। और डर एक ऐसी अनुभूति है जिसका अनुभव हम लोग कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर करते हैं। तो डर की ही ऐसी एक अनुभूति, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी लेकर अपने पॉडकास्ट में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि एक नेगेटिव एनर्जी से मेरा आमना सामना हुआ, उसने मेरे ऊपर हमला किया और एक पॉजिटिव एनर्जी ने मेरी सहायता की। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी को लेके मेरे मन में कुछ उत्सुकता जगी और मैं उनके लिए उनकी तरफ आकर्षित होने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी मेरे नज़दीक आने लगी और कुछ पॉजिटिव चीज़ें मेरे संपर्क में आ गई। साथियों, जैसा कि हमारे ग्रामीण परिवेश में होता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत से किस्से कहानियां सुन के बड़े हुए थे, तो इसी तरीके से मेरा भी बचपन अपने बड़े बुजुर्गों से किस्से कहानियां सुनते सुनते मैं जवान हुआ। तो उन किस्से कहानियों में कुछ भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात, इन तरीकों की कहानियों से भी हमें सुनने को बचपन में मिली। बहुत रोमांचक कहानियां होती थी जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि कैसे वो खेत में पानी चलाने गए, उनके साथ उनका मुकाबला वहाँ किसी नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत से या चुड़ैल से। या हमारे यहाँ एक आइडेंटिटी होती है जिसे बोलते हैं छलावा। छलावा एक ऐसी आइडेंटिटी है कि जो किसी भी रूप में व्यक्ति के सामने आ सकता है, वो भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सांड, इंसान, किसी भी रूप में आ जाता है। बड़े बुजुर्गों के अनुसार उसकी कुछ पहचान थी, जैसे कि वो नाक में तुम्हारे क्या हाल हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से वो नाक में कुछ बोलता है। उसके पैर पीछे की तरफ होते हैं और वो आग से दूर भागता है। ये उसका एक बचाव का सिस्टम बताया था बुजुर्गों ने कि वो आग से और नंगे व्यक्ति से, मतलब अगर कभी आपका सामना हो जाए छलावे से तो आपको अपनी रक्षा किस तरीके से करनी चाहिए, तो आप अपने पूरे वस्त्र उतार दो, या फिर अगर आपके पास माचिस है तो आप वहाँ आग भी जला सकते हो। उससे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है छलावा, ये आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत किस्से कहानियां हमने सुनी कि छलावे के साथ फलाने बुजुर्ग व्यक्ति ने या वे किसी व्यक्ति ने कुश्ती की या लड़ाई की, पूरी रात उनके साथ लड़ाई की। तो इस तरीके के बहुत किस्से कहानियां सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए। तो हमारे गांव के बाहर एक स्पॉट है, गांव से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे एक नहर जाती है। तो वो एक ऐसा स्पॉट था जहाँ के बारे में सब लोग बताया करते थे कि यहाँ एक छलावा रहता है जो किसी भी रूप में व्यक्ति के सामने आ जाता है। कभी वो सांड बन के आएगा, कभी वो बकरा बन के आएगा, कभी वो बकरी बन के आएगा, कुत्ता बन के आएगा, किसी भी रूप में आता है। वो सामने वाले को डराने की कोशिश करता है या वो आपको लड़ने के लिए आमंत्रित करेगा। तो हम लोग दिन में भी जाते हुए वहाँ डरा करते थे, दिन में जाते हुए भी हम लोगों को वहाँ डर लगता था कहीं ऐसा ना हो छलावा आ जाए। तो दूसरी जो लोकेशन है, एक लोकेशन ये होगी, दूसरी लोकेशन है हमारा गांव रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव है और जो नियर बाय गांव है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ट्रेन से उतरने के बाद कोई पक्का रास्ता गांव तक आने के लिए नहीं है, एक छोटा सा खेतों के बीच से होता हुआ, नालियों से गुजरता हुआ एक रास्ता है जो लगभग आधा किलोमीटर नाली से और खेतों के बीच में से होके गुजरता है। और उसी बीच में एक जगह है जहाँ शमशान घाट। तो
ट्रेन में से उतरोगे, दो खेत पार करने पड़ेंगे आपको नाली से होते हुए, फिर एक शमशान घाट है, फिर आपको कम से कम 8-10 खेत या 12 खेत, फिर खेतों के बीच में से जाके फिर आप नहर पे पहुंचोगे, नहर है छोटी तो उस पे पहुंचोगे, और वहां से नहर की पटरी पे रास्ता है जो गांव तक जाता है। ये दो लोकेशन मैंने बताई आपको, इसमें एक तीसरी लोकेशन भी आती है जो हमारे सामने हम लोगों ने देखा, खुद ने भी हम लोगों ने ये देखा कि जब लोग ट्रेन में आते हैं दिन में या रात में, जो ड्यूटी करके, डेली ड्यूटी करके दिल्ली से घर आ रहे हैं, उनके साथ वहां अधिकतर चोर लुटेरे बदमाश लूटपाट किया करते थे। तो ये तीन लोकेशन है, एक लोकेशन जहां पे बदमाशों के द्वारा, लुटेरों के द्वारा लूटपाट की जाती थी, एक लोकेशन वो है कि ट्रेन से उतरने के बाद एक शमशान घाट पड़ता था। उस शमशान घाट के बारे में एक कहावत थी कि जब भी दो या चार लोग वहां से गुजर के अंधेरे में और नहर की तरफ जाते थे, मेन रास्ते की तरफ जाते थे, तो वहां से कोई आइडेंटिटी उनके पीछे चलती थी जो अपना एहसास कराती थी, लोगों को ऐसा लगता था कि उनके पीछे 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 कोई आ रहा है, और वो ऐसी क्रिया नहर तक आने में, जो मेन रोड था नहर पे, वहां तक आने में वो क्रिया होती थी। तो ये भी किस्से सुनते हुए हम लोग जवान हुए, हमने बहुत साल तक ये किस्से सुने कि भी वो बंदा, फलाना बंदा वहां से अकेला आ रहा था, उसके पीछे पीछे कोई आया, या तीन चार लोग थे उन्हें ऐसा लगा, क्योंकि ट्रेन में जाते थे तो सुनते थे भैया उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने ये किस्से कहानियां सुने। तो आज जो मैं अपने डर की कहानी आपके सामने लेके आए हूँ वो इन्हीं तीनों लोकेशन को कनेक्ट करेगी। तो आइए सुनते हैं डर की सच्ची कहानी। साथियों, कहानी है उस टाइम की जब मुझे पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होने लगा और मेरा एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव उनकी तरफ होने लगा, तो मैं उनकी पूजा पाठ में सम्मिलित होने लगा। तो हमारे यहाँ, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, कि भादवें में बाबा जहरवीर जी की जागरण होता है, रतजगा होता है, जिसे हम लोग रात जगाना बोलते हैं। तो हमारे यहाँ देवताओं के नाम से रात जगती है, होती तो वो जहरवीर जी की ही है लेकिन देवताओं का नाम रखा जाता है। तो उस दौरान मैं दिल्ली रहा करता था, ये लगभग 2000 के आसपास की बात है, सन 2000 के आसपास की ये बात है। तो उस दौरान मैं दिल्ली रहा करता था और हमारे गांव में जागरण था, तो मुझे भी इच्छा हुई जागरण में जाने की। तो मैंने क्या काम किया, मैं रात को ट्रेन पकड़ी। अब मुझे ये आइडिया नहीं था, क्योंकि गांव में जाने वाली लोकल सवारी कोई भी रात को ट्रेन से नहीं जाया करती थी, केवल जो डेली ड्यूटी करने वाले पैसेंजर थे वो ही रात को जाया करते थे, ट्रेन से जाया करते थे। तो मुझे दीवानगी थी जागरण में जाने की। तो मैंने ट्रेन पकड़ी शाम को 7 बजे, और भादवे का महीना था, उस दिन क्या था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम बिल्कुल सुहाना था शाम के टाइम। तो मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं लगभग 8 बजे, 8:15 बजे अपने स्टेशन पे उतरा। तो जो जुनून था, जो एक खुशी थी देवता के जागरण में जाने की, वो खुशी रेलवे स्टेशन पे उतरते ही मेरी गम में बदल गई। वो गम में क्यों बदली, कि जैसे मैं स्टेशन पे उतरा तो मैंने देखा कि पूरी ट्रेन में से मैं अकेला बंदा था जो ट्रेन में से उतरा। मुझे वहां जाके महसूस हुआ, अरे आज तो संडे है, तो सब लोगों की छुट्टी है, कोई भी जो डेली ड्यूटी पे जाने वाले लोग थे, डेली पैसेंजर थे, वो कोई भी नहीं आया था। अंधेरी काली रात, मौसम बिल्कुल हवाएं साए 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 ऐसे चल रही है, खेतों में ईख के खेत हैं, गन्ने ऐसे हिल रहे हैं। ट्रेन स्टेशन छोड़ के चली गई और मैं स्टेशन पे अकेला खड़ा हुआ हूँ उस काली घनघोर रात में। अब मेरे मन में विचार आने लगे कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, स्टेशन के ना इधर कोई गांव है ना इधर कोई गांव है, जंगल में स्टेशन है। तो मैंने बड़ी अपने अंदर हिम्मत बढ़ाई। अब वो कहानियां जो बुजुर्गों से सुनी थी वो कहानियां याद आने लगी, कि स्टेशन से उतरने के बाद
जब हम लोग चलेंगे तो थोड़ा आगे शमशान घाट भी है, वहाँ से कोई आइडेंटिटी है, वहाँ कोई भूत चुड़ैल प्रेत कोई है जो वहाँ से आदमी के साथ जाता है, और साथ जाता है तो नुकसान भी पहुँचा सकता है, डरा भी सकता है, तो वो सब चीज़ें याद आने लगी। ऊपर से बारिश होने लगी, मेरी हालत ख़राब, मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर भी मैंने बहुत हिम्मत बधाई, उस परमपिता परमात्मा को याद किया, अपने देव पितरों का नाम लिया और मैं उस रास्ते से चल दिया। जब रास्ते से चला तो वो मिट्टी का वो जो नाली के बराबर में मेड़ होती है, वो मेड़ गुजरती है खेतों से, तो कभी उस पर इधर फिसलें, कभी उस पर उधर फिसलें। उधर इतनी तेज हवाएं चल रही खेत में से, जब ऐसा लगे कोई इधर से आ रहा है, कभी लगे इधर से आ रहा है, बहुत मेरी हालत खराब, धड़कने तेज। बारिश के उस मौसम में उतना ही, तो बारिश का पानी उतना ही मुझे लग रहा कि मुझे पसीना आ रहा है। तो जैसे तैसे करके मैंने वो दो खेत पार किए। दो खेत पार करते ही वो खुला थोड़ा मैदान टाइप का है, उसमें एक साइड में शमशान घाट काफी बड़ा बना हुआ है, वहां जाते ही और हालत पतली। अब आप सोच सकते हो कि आप एक बरसात की काली रात में और अकेले ऐसी जगह से जा रहे हो जहां की कहानियां ये है कि वहां पे कोई ना कोई तुम्हें डराएगा या तुम्हारे साथ वहां से चल दे, और मैं उस मोमेंट पे खड़ा हुआ हूँ। आज भी जब सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां से मैं तेज कदमों के साथ, अब अपने जूते की आवाज मुझे ऐसा लगने लगी कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। छप छप पानी भरा हुआ है भाई, बारिश हो रही है, बिजली कड़कड़ा रही है, और पीछे से छप 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 ऐसे आवाज आ रही है। मैं एक पल के लिए रुका तो वो आवाज भी रुक गई। मुझे लगा पक्का कोई मेरे पीछे 100% चल रहा है, मेरी और हालत खराब। मैं फिर धीरे 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 धीरे, मतलब इतनी चालाकी से कि कभी थोड़ा सा गर्दन पीछे करके देख लूं, लेकिन मुझे पीछे कुछ भी दिखा नहीं। जब मैं चल रहा हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कुछ चल रहा है। तो इसी सब उसमें मैं धीरे 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 मैंने वो रास्ता पार किया। रास्ता पार करके मैं खेतों से निकल के मेन रोड पे आ गया, नहर के किनारे। नहर ऐसे दबा के उफान पे चल रही, क्योंकि भादवे का महीना था, बरसात का मौसम होता है, नहर नाली ये सब भर के चलती हैं। नहर इतने उफान पे, पानी ऊपर से नहर के उतरने को तैयार। वो स्पोर्ट ऐसा कि वहां भी लूटपाट होती है। अब भैया भूत से तो बच गए, चोरों से भी बचना। फिर भी भगवान का नाम लेते हुए मैं वहां से चलता रहा। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं रोड के उधर खेतों के किनारे नहीं चलूंगा, नहर के किनारे चलूंगा, ताकि अब ये मैं अपने से विचार कर रहा हूं मन में कि अगर कोई भी आएगा तो मैं तुरंत नहर में कूद जाऊंगा, और नहर में कूद के निकल के उधर से खेतों खेत भाग जाऊंगा। अब दो चीजों का डर हो रहा है, भूत का भी डर है भैया भूत ना आ जाए, और चोरों का भी डर, क्योंकि वहां लूटपाट का स्पॉट था। वो बदकिस्मती मेरी देखिए कि उस दिन एक सिंगल पर्सन ट्रेन में से नहीं उतरा, सबकी संडे की छुट्टी। अब मैं धीरे 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 दबे पाऊं चलता रहा, अपने आप को कोसता रहा, मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे, एक हल्की सी आहट भी, मुझे ऐसा लगता कि जैसे आज मेरी जान ले ली। ये बहुत ही डरावना मंजर होता है, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं तो अभी भी मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अभी उस वक्त जो मेरे साथ परिस्थिति थी, जैसे अभी भी वही परिस्थिति मेरे साथ हो रही है। अब मैं धीरे 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 मैं चलता रहा जैसे तैसे करके, तो बीच में गांव पड़ता है, वहां जाके थोड़ा सुकून मिला। उस गांव को पार किया, फिर वही अपना जंगल का रास्ता, नहर किनारे हल्की हल्की बारिश हो रही है, नहर बिल्कुल उफान पे, खेतों से वही साए साए की आवाज आना, बिजली कड़कड़ा रही है आसमान में, ऐसा लगता कि जैसे मेरे ऊपर ही गिरेगी। ऐसा करते करते मैं धीरे 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 उस स्पॉट की तरफ आ गया, उस लोकेशन की तरफ आ गया जहां लूटपाट होती है।
वहाँ आके और ज्यादा हालत खराब। वो एक छोटा सा बगीचा टाइप का है, वहाँ 20-25 पेड़ हुआ करते थे, उसे बाग बोलते थे। तो वहाँ ये डर कि यार बाग में से कोई आदमी ना निकल के आ जाए, पीछे से कोई भूत ना आ जाए, इस सब डर के साथ में चलता रहा। एकदम से क्या हुआ कि मैं चल रहा हूँ नहर की साइड में और मेरे बराबर में आवाज हुई एकदम छपाट, जैसे कुछ पानी में आके, जैसे रोड पे गड्ढे हो जाते हैं उसमें आके कोई कूदा हो। मेरी सांसें थम गई, मैं एक सेकंड में कूद के नहर के दूसरी तरफ कोने, सेकंड से पहले पता नहीं कितनी फुर्ती मेरे अंदर आई होगी, मैं तुरंत कूद के नहर की दूसरी साइड। ये क्या हुआ, कौन आके कूदा मेरे बराबर, बहुत तेजी से आवाज हुई छपाट, मैं कूद के उधर। मेरी धड़कन इतनी तेज जैसे कि 120 की स्पीड पे ट्रेन दौड़ रही है, मुझे अपने दिल की धड़कनें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। उस बरसात की रात में भी मुझे अपने दिल की धड़कनें बिल्कुल बाहर साफ सुन सकता मैं आराम से उसकी आवाज। मैंने बड़ी हिम्मत की, मैं वहीं खड़ा हो गया और मैंने बड़ी हिम्मत की और मैं साइड में देखा तो एक बहुत बड़ा मेंढक उस गड्ढे में कूदा था, जो फिर वहां गड्ढे के बाहर बैठ के फिर वो टर टर करने लगा। मेंढक को देख के मुझे बहुत सारा गुस्सा भी आया, मैंने दिली दिल बहुत सारी गालियां भी मेंढक को दी और अपने आप को जैसे तैसे मैंने संभाला। ये होता है डर, कि जब डर आपके अंदर होता है ना तो आपको कोई भी चीज एक पहाड़ जैसी दिखने लगती है। बताओ कहाँ वो मेंढक, जैसे ही वो कूदा और पानी में आवाज हुई, मुझे ऐसा लगा कि कोई पानी में आके कूद गया है और तेरे ऊपर अटैक करने। मैंने अपने आप को संभाला जैसे तैसे करके, फिर मैं उसी साइड आ गया और धीरे 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 चलने। उस स्पॉट को भी मैंने पार कर दिया, लेकिन दिल के अंदर घबराहट, बेचैनी और डर के मारे हालत खराब। बार बार मैं अपने आप उस समय को, उस घड़ी को, उस पल को कोस रहा था जब मैंने ये निर्णय लिया था कि आज मैं जागरण में जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी उम्मीद थी, पॉजिटिविटी कहते हैं ना कि जब आप किसी पॉजिटिव काम के लिए जाते हो आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक तसल्ली भी देती। अब ये सब पीछे के सारी लोकेशन, सारे स्पॉट मैंने क्लियर किए। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वो लोकेशन आने वाली थी जहां पे वो छलावा कर, जिसका किस्सा सुन सुन के हम लोग इतने बड़े हुए थे, उसके एरिया में मैं एंट्री करने वाला था। और उसके बारे में इतनी किस्से, इतने कहानियां हमने बचपन में सुनी थी कि हम लोग दिन में जाने से वहां डरते थे, उस लोकेशन पे दिन में जाते हुए घबराते थे। धीरे धीरे वो लोकेशन मेरे नजदीक आती रही और मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती चली, मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगे। और क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही वहाँ हमारे एक दोस्त के साथ हादसा हुआ था, मुठभेड़ हुई थी छलावे से, आज मुझे लगा कि भैया आज मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है। तो मैं धीरे 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 मैं चलता रहा। मौसम और जो परिस्थितियां बनती हैं, तो बिल्कुल काली अंधकार की रात, बिजली तड़तड़ा रही है, बारिश हो रही है, कभी रुक रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवाएं इतनी तेज चल रही है, चारों तरफ जंगल और आप उसके बीच में से जब गुजरते हो, और वो भी एक ऐसी जगह से जहाँ की लोकेशन का आपको पता हो कि यहाँ क्या हो सकता है, उस मोमेंट को जीना, उस मोमेंट को याद करना आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है, उस डर को जब मैं महसूस करता हूँ। तो मैं दबे पाँव धीरे धीरे चलता रहा, दबे पाँव इसलिए चल रहा हूँ कि मैं चुप से निकल जाऊँ और वो जो छलावा है, वो जो वहाँ आइडेंटिटी है, वो जो वहाँ एनर्जी है वहाँ रहने वाली, उसकी नज़रों से मैं बच। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरी चलाकी चली नहीं और मैं अपने आप को उस छलावे की नज़र से, उस आइडेंटिटी की नज़र से अपने आप को नहीं बचा पाया। मैं नज़रें नीचे करके, क्योंकि अंधेरी रात थी, नीचे भी देखना था, क्योंकि छलावे को बोलते हैं भैया वो कुत्ता बन के आ जाए, वो भेड़ बकरी बन के आ जाए, उसका जरूरी नहीं है वो इंसान रूप में ही आपके सामने आएगा, वो किसी भी रूप में आके आपको चैलेंज कर सकता है, आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो नीचे भी देखना है,
गड्ढों की सड़क है उसे भी देखना है, बराबर में नहर में जबरदस्त पानी चल रहा है। अब मैं चलते चलते नीचे को नजर करके जा रहा हूँ तो मेरी नजर अपने राइट साइड में जिधर नहर बह रही थी उधर पड़ी। सेम लोकेशन वही आ गई एक खेत पहले, जहाँ वो लोकेशन जहाँ से उस छलावे का एरिया स्टार्ट होता है। तो उसके बारे में हमने ये भी सुन रखा था कि इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ रहता है और ये इंसान का पीछा किस पर्टिकुलर जगह तक करता है, उसके बाद वो वहाँ से पीछे हट जाता है, आगे वहाँ से नहीं जाता, वहाँ से वो पीछे हट जाता है। वो सारी लोकेशन पता थी। अब मैंने देखा कोई लगभग 15 फुट 12 से 15 फुट ऊंचा, हाथ उसके ऐसे दोनों तरफ, बाजुएं उसकी फड़क रही हैं और वो खड़ा हुआ है सीधा सफेद खेत के बिल्कुल बीचों बीच। उसे देखते ही मेरी सांसें अटक सी गई, मेरा दम नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, मेरी हालत खराब। मैं एक बार के लिए सहम गया, बिल्कुल वहीं ऐसे हो गया जैसे मेरे अंदर काटो तो खून नहीं है, बिल्कुल जम के खड़ा। और मेरी नजरें उसकी तरफ जब गई तो वो लहरा रहा है हवा में जैसे कोई चीज लहरा रही हो। अब ये देखते ही मेरी एकदम से बहुत तेज की, जैसे किलकारी बोलना है ना, डर की वजह से किलकारी निकलती है, आपकी आवाज निकलती है बहुत तेज। मैंने बहुत तेज चिल्लाया और मैं वहां से भाग लिया, और मैं इतना भागा। अब जब आपको डर होता है तो आप भाग भी नहीं पाते। आप अगर 20 की स्पीड पे भी भाग रहे होते हो तो आपको लगता है कि आप नहीं खड़े होते। मेरी सांसें फूल गई, हालत खराब, भागते भागते मैं कब अपने घर पहुंचा मुझे नहीं। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा और घर जाते ही मैं सीधा बेहोश। घर में कोई नहीं, सब गए हुए जागरण में। मैं आया जागरण देखने तक मैं घर में पड़ा हुआ हूँ बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो घर वाले सब मेरे आसपास थे, आजू बाजू थे। तो मेरे से पूछा गया भाई कब आए, जब मैं उठा मेरे से पूछा भाई कब आए, तुमने ठीक नहीं किया, तुम रात को ट्रेन में आए, आना था तो तुम्हें दिन में आना चाहिए। तो मेरी हालत खराब, मेरे से उठाना जाए, पूरी बॉडी मेरा दर्द कर रही है, दर्द के मारे मेरी हालत खराब। तो बुखार मुझे चढ़ा हुआ, जबरदस्त तरीके से बुखार चढ़ा हुआ, पूरी बॉडी मेरा पेन कर रही है, उठाने गया। अब डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी तो मैं थोड़ा सा मुझे राहत मिली, लेकिन बुखार मुझे चलता रहा। तो जैसे मैंने पिछली कहानी में आपको बताया था कि हमारे ताऊजी भगत थे, मैंने उन्हें वो पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा, मुझे काफ़ी तसल्ली दी, उन्होंने कहा कि अगर तुम देवताओं का नाम लेकर उनके जागरण के नाम के चले हो तो कोई भी एनर्जी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आ सकती, और ये तुम्हें वहम होगा और कुछ भी नहीं है। अगर तुम किसी पॉजिटिव एनर्जी के नाम के चले तो कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारी मदद करती है। अब उनकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगी, थोड़ा दिल को तसल्ली मिली, सुकून मिला। उसके बाद 3 दिन बाद मेरा बुखार उतर गया और मुझे वापसी दिल्ली जाना था। तो दिल्ली जाना था तो फिर उसी रास्ते से जाना, जब उस रास्ते से जाना है तो ताऊ जी ने मुझे समझाया, भैया जब तुम ट्रेन से उतरे तुम्हारे कपड़े गीले थे, जूते गीले थे, नीचे पानी भरा हुआ था, तो तुम्हें ऐसा लगा होगा वो कपड़े भी पैंट भी आपस में जब एक दूसरे को टच कर रही होगी उधर पानी का, जब आप चलते हो जूते पहन के तो तुम्हें ऐसा लगा होगा कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है या तुम्हारे पीछे चल रहा है, उससे डरो मत। क्योंकि उन्हें शायद मेरे दिल का डर निकालना था, उन्हें ये महसूस हो गया था कि अगर इसके दिल से या इसके मन से डर को नहीं निकाला गया तो कुछ ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना पड़ जाए। तो वो चीज़ मुझे लगी कि हाँ यार, ये तो ये सही बोल रहे हैं, जूतों की भी आवाज़ हो सकती है और वैसी भी आवाज़ हो सकती है। तो मुझे वहाँ तक ये सुकून मिल गया कि हाँ, जब ये कह रहे हैं तो ये ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मेरा कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं कर सकती। फिर भी 3 दिन बाद बुखार उतरने के बाद मैं वहाँ से निकला,
फिर ट्रेन के लिए ही जाना था। गांव में पहले उस तरीके के संसाधन थे नहीं, ट्रेन से ही दिल्ली आना जाना हुआ करता। तो मुझे मेरे चाचा का लड़का छोड़ने स्टेशन तक गया, तो जब हम गांव से निकल के उस लोकेशन पे, जहाँ जिस लोकेशन पे वो छलावा रहता था, जहाँ वो मुझे दिखाई दिया था, मुझे वहाँ जाते ही फिर वो कहानी याद आई। और मैंने उस तरफ देखा कि जहाँ वो मुझे खड़ा हुआ दिखाई दिया था, तो मैं क्या देख के दंग रह गया कि वो दिन में भी वहीं खड़ा हुआ, वो दिन में भी ऐसे ही बिल्कुल सफेद कपड़े, बाजुए उसकी लहर रही हैं, और वो बिल्कुल खेत के बीचों बीच खड़ा है। तो मैं एकदम से फिर डर गया। डरा तो उसने कहा क्या हुआ, मैंने कि वो छलावा खड़ा। तो उसने कहा अरे पागल, ये छलावा नहीं है, ये मक्की के खेत में कुर्ता और पजामा पहना के टांग रखा है बांस के ऊपर, ताकि पशु पक्षी मक्की को ना खाएं। मैंने देखा फिर वाकई में कुर्ता और पजामा टंगा हुआ है बांस के ऊपर, टांग रखा है ऐसे लंबा करके। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला, बड़ी तसल्ली मुझे महसूस हुई कि अरे मैं तो एक जो खेतों में लगा देते हैं ताकि पक्षी या जंगली जानवर खेत में ना घुसे, ये तो उसके लिए ये लगा रखता है, मैं तो बेकार में ही डर गया। साथियों, ये सच्चाई मुझे 3 दिन बाद पता चली, लेकिन 3 दिन पहले जो मेरे साथ हादसा हुआ था, वो मेरे लिए प्राण घातक भी हो सकता था, वो डर मेरे लिए जानलेवा भी हो सकता था, वो मोमेंट मेरे लिए जानलेवा भी हो सकता था। लेकिन एक चीज की तसल्ली उस दिन और मुझे हुई, एक सत्यता का मुझे ज्ञान और हुआ, एक सत्य जो सत्य है उसका मुझे ज्ञान उस दिन हुआ कि जब आपके साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी होती है, जब आपके विचार पॉजिटिव होते हैं, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके नज़दीक नहीं आती। वो सारी आइडेंटिटी मैंने पार की थी उस दिन रात को, मैं अपने डर के कारण डरा, कोई आइडेंटिटी, कोई भूत प्रेत छलावा कोई मेरे नज़दीक नहीं आया, कोई मेरे पास नहीं आया, मैं डरा तो डरा सिर्फ अपने डर से। तो साथियों, ये थी मेरे डर की सच्ची कहानी। आशा करता हूँ इस पॉडकास्ट का ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इससे पहले वाली कहानी देखना चाहते हो जिसमें एक नेगेटिव एनर्जी चुड़ैल ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या आई बटन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। आगे भी मैं अपनी इसी तरीके के अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, पूरी कहानी आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा। आपसे अनुरोध कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि लोग भी अपने डर पे काबू पा सकें। जब तक हम डरते रहेंगे, हमें अपने डर पे काबू पाना होगा, तभी हमें सत्यता का ज्ञान होगा, हमें सच्चाई का तभी पता लगेगा। कई बार हम लोग अपनी परछाई से ही डर जाते हैं।